अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महबूब सिंह, मालेगांव शहर, नासिक जिला। हमारे महाराष्ट्र के अंदर नासिक जिला है। नासिक जिले में टोटली लोग बहुत अच्छे से पाबंदी की और पूरा शासन यहाँ बहुत अच्छा लगा है। शासन भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है और हमारे उद्धव साहब ठाकरे, इनकी भी बहुत मेहनत है महाराष्ट्र के अंदर। टोटली लोग से अपील कर रहे हैं कि भाई अपने अपने घरों में रहो। मालेगांव शहर भी 22 तारीख से तकरीबन बंद है, कानून का पालन भी कर रहा है। इसी तरह अभी 7 से 8 दिन और बचा है, जैसे पाबंदी कर रहे हैं उसी तरह पाबंदी करो, गवर्नमेंट का साथ दो। गवर्नमेंट अपने ऊपर जो पाबंदी लगाई है उसमें अमल में लेकर के आओ और ये पाबंदी का पूरा यानी पालन करो। इसमें जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई सिर्फ अपने वास्ते अच्छे के लिए। आज नासिक जिले के अंदर पाबंदी लगाने के हिसाब से आज एक भी मरीज ऐसा पूरे नासिक जिले में नहीं है। और यही पाबंदी अगर नहीं करते अपन तो और शहरों में जैसा चालू है, कहीं ना कहीं मालेगांव भी इसमें मुनव्वित हो जाता था। जिस तरह शासन कोशिश कर रहा है उनका साथ देते हुए और जितने दिन अपने को घर में बैठने का बोल रहे, इसी तरह और जो भी वक्त अपने पास है जितना भी टाइम वो बोल रहे हैं 14 तारीख तक, तो ये पाबंदी करो और इसके आगे भी पाबंदी करना चाहिए। अब रहा सवाल, जैसे काम धंधे नहीं है, काम धंधे बंद है, तो गवर्नमेंट तो स्कीम का बोली है, गवर्नमेंट भी जद्दोजहद कर ही रहे। नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्कीमें बताई है प्रधानमंत्री योजना, इसमें भी राशन चालू हो जाएगा तो इसका भी फायदा गरीबों को मिलेगा। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी किसी को भूखा नहीं रखेंगी। खाली इतना है कि गवर्नमेंट जैसा बोल रही है उसी तरह पाबंदी करो और उसका पालन करो। जैसा नासिक जिले के टोटल ऑफिसरान लोग भी पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और मालेगांव शहर वालों को भी ये चाहिए कि जैसा गवर्नमेंट बोल रही है कि अपने घरों में रुक करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर में देकर बाहर रोड पे ना निकलते हुए, अगर ज़रूरत है तो तुम रोड पे आ सकते हो, बिगड़ ज़रूरत रोड पे ना आए।